Hey guys, welcome back to my channel. तो दिल्ली वालों आ गई हूँ मैं एक और फेस्टिवल का वर्चुअल टूर लेकर। तो ये फेस्टिवल बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है जिसमें आपको नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, फैशन, कुजीन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ का म्यूजिक एंजॉय करने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और आगे एक और फेस्टिवल ऑन द वे है तो उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दो, नहीं तो उसकी नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी। और अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 लगा हुआ है दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में, और एंट्री इसकी है गेट नंबर 14 से। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको इसका पड़ेगा जेएलएन स्टेडियम। ये है इसका टिकट बॉक्स जहाँ से आप इसकी ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, और साथ ही आप इसकी ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं पेटीएम इनसाइडर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमने ले ली अपनी टिकट और ये बैंड ही आपकी टिकट है। तो डेज और टाइमिंग की बात की जाए तो ये फेस्टिवल 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक है, और टाइमिंग इसकी है दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक। 26 दिसंबर को इसकी एंट्री फ्री है, तो कोई भी बिना टिकट के यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकता है उस दिन। तो अब चलते हैं अंदर, और ये है लाइनअप कि किस किस दिन यहाँ पर क्या क्या परफॉर्मेंस होनी है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और यहाँ है सारी एक्टिविटीज जो आप यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं, जिनका पूरा चार्ट बनाया हुआ है। तो ये स्टॉल था नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम्स का, और यहाँ पर जो सामने आपको ये शॉल दिखाई दे रहे हैं ये 5000 के हैं, उसके साइड में जो पोचू हैं वो 1500 के हैं, देन नीचे आपको ये कैप्स जो दिख रही हैं ये 250 की हैं। तो इस स्टॉल पे थी वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस धोती एंड पल्लू, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड की लेडीज कैरी करती हैं। टेनिस स्टॉल पे यहाँ पर थी ये जैकेट जो कि थी बच्चों की, और ये थी 500 की, काफ़ी सही लग रही थी ये। देन इसी के साथ में यहाँ पर ये छोटू बैग्स थे, तो छोटे वाला जो है वो 300 का है, और जो पीछे बड़े वाले हैं वो 500 के हैं। देन ये स्टॉल है उकरी क्राफ्ट का, तो सामने जितनी भी आपको ये किमोनो जैकेट्स दिख रही हैं ये सब है 3500 की, और इसके साइड में जो ये श्रग जैसा है इसे ये बॉन्जो कहते हैं, तो ये है 2500 की। देन ये स्टॉल है साई आर्केड, और यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट नेक पीसेस थे, और इनका प्राइस था 150, कोई सा भी आप नेक पीस लें। देन नीचे थे यहाँ पर ये बैम्बू वाले टूथब्रश जो कि 60 रुपीज़ के थे, ये हेयर पिंस जो हैं ये भी 60 रुपीज़ की हैं। देन यहाँ पर थे ये पर्ल वाले बैग, तो ये वाला बैग था 1399 का। देन इसी के आगे जो ये क्रोशिया वाले बैग्स थे ये थे 1199 के। वैरायटी आप इनके पास देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। देन ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं ये थे 350 का सेट, जो भी आपको बुके दिख रहा है ये पूरा 350 का है। और इनके पास और भी टॉयज थे, जैसे आप देख सकते हो क्रिसमस की डेकोरेशन वाले रखे हुए हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर थी ये कार एक्सेसरीज, तो ये जो बैग्स हैं छोटे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये है 1200 रुपये का एक, और इसी के नीचे यहाँ पर थे ये नेक पीसेस जिनका प्राइस था 2500 और 3500, ये बीच से बने हुए हैं। देन ईयरिंग्स थे इनके पास 100 से 350 तक, जितने भी आपको रैक में दिख रहे हैं, कोई 100 का है, कोई 150 का है, कोई 250 का है, तो मैक्स 300 तक थे ये। और इधर जो ये बैग दिख रहे हैं आपको, ये बैग थे 1600 के। देन यहाँ पर थे ये रिंग्स जिनके प्राइजेस नीचे वालों के मेंशन है उनके ऊपर, और जो ऊपर वाले हैं वो 100 से 150 की प्राइस रेंज में है। तो हर जगह पे आपको वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस दिख जाएगी। देन यहाँ पर थे ये बैग्स, तो ये जो ऊपर वाला हैंड बैग है ये था 900 का, सबसे आगे जो रखा हुआ है, नीचे वाली पोटलीज 500 की थी। इसके आगे जो काफ्तान है ये 300 में है, कॉटन मटेरियल में है ये। इनके पास बेड कवर, रनर, बैग्स बहुत कुछ था, जैसे कि ये बेड कवर दिखा रहे हैं,
ये वाला 1000 रुपीज की है और इस पर काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इसको आप एज अ वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हो और बेड कवर की तरह तो ऑफ कोर्स यूज़ कर ही सकते हो। रनर्स इनके पास थे 300 में। और इस पे पूरा हाथ का काम हुआ हुआ था। वैरायटी आप देख सकते हो इनके पास काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ थे ये हैंडबैग्स और ये है 1000 रुपीज़ के। और आगे जो पोटलीज हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी यहाँ भी रखी हुई है, ये है 1200 रुपये की। और ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं इनके पास और बहुत क्लासी लगते हैं इस तरीके के बैग्स। टेनिस स्टॉल पर था यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अचार और चटनियाँ, और ये MRP पे थे और प्राइस ज़्यादा नहीं था, 150, 250, मैक्स 300 था। यहाँ पे थी ये डार्क चॉकलेट्स जो कि थी 80 रुपीज़ की। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स थे। यहाँ पर थी ये साड़ी जो कि सिल्क में थी। तो सबसे आगे जो ये सामने ब्लू वाली साड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये टसर सिल्क में है, प्योर टसर सिल्क में। और इसका प्राइस इन्होंने मुझे बताया 15,000। और इसके आगे जो आपको ये येलो वाली दिखाई दे रही है जिसपे पूरी जितनी भी एम्ब्रॉयडरी हुई है वो सारा हाथ का काम है, उसका है 14,000। और इनकी स्टार्टिंग रेंज है 1800 से, जो कि आपको ब्लू वाली दिखाई दे रही है आगे। देन ये स्टॉल था एनीथिंग शिलोंग का, और यहाँ पर थी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीज, कुकीज़ थी इनके पास, चॉकलेट में थी, ब्लैक सेसम कुकीज़ थी, लाकाडोंग कुकीज़ थी, नॉर्मल कुकीज़ थी, तो काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। चॉकलेट्स भी थी इनके पास जो कि 50 से 150 की प्राइस रेंज में थी। कुकीज़ का प्राइस था 180। और क्रिसमस से रिलेटेड भी इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, चाहे वो कुकीज़ में हो, चॉकलेट्स में हो। देन यहाँ पर थी ये सिल्वर ज्वेलरी, और हर किसी का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट था। जैसे कि ये ढोलक वाला मुझे बहुत सही लगा, बट ये इन्होंने सिर्फ डिस्प्ले पर रख रखा था, इसको वो सेल नहीं कर रहे थे, और उसका प्राइस भी उन्होंने एस्टिमेट नहीं लगाई थी उसकी अभी, तो इसलिए। और उसके आगे वाले जो हैं वो 25,000 के हैं, और इनके पास सारे के सारे सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड ही हैं जितने भी आपको एक्सेसरीज दिखाई दे रही हैं। देन यहाँ पे थे MJB फूड प्रोडक्ट्स जिनके पास थी वैरायटी ऑफ टीज, चाहे वो रोज टी हो, ब्लू टी हो, ग्रीन टी हो, और सबका प्राइस 150 से 350 के बीच में था। वैरायटी आप देख सकते हो। ये जो मेरे हाथ में ये ऑर्थोडॉक्स टी है, ब्लू टी ये कह रहे थे वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, एंड ग्रीन टी ऑफ कोर्स। तुलसी टी भी थी इनके पास। ये सारे के सारे उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखी थी कि जो जो टी आपको वहाँ दिखा रखी है। देन यहाँ पे आपको टेस्टिंग का ऑप्शन भी था, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये। देन ये थी वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ी, टू पीस साड़ी, जिसमें जैसा इन्होंने पहन भी रखी है कि बॉटम वाली है, देन ऊपर का पल्लू है। और इसका प्राइस था 10,000 रुपीज़, क्योंकि ये टसर सिल्क में थी और जितनी भी एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है इसके ऊपर वो सारी हैंडमेड थी इसलिए। और मिनिमम रेंज जो इनकी आती है वो 1200 से आती है, बट वो प्लेन साड़ी होती है, मतलब रेडी टू वेयर होती है, बट प्लेन साड़ी होती है, कोई एम्ब्रॉयडरी या कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंपल प्लेन प्रिंट में साड़ी होती है वो। देन यहाँ पर थी ये बॉटल्स जिनमें फेरी लाइट्स लगी हुई थी, और ये 1500 की थी क्योंकि इनके ऊपर कलर किया हुआ इन्होंने इसलिए। जो आगे आपको कोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये 600 का 4 का पेयर था। देन यहाँ पर थी ये पेंटिंग, और इसका प्राइस था 600। इसके आगे जो यहाँ पर ये बैग रखा हुआ है, ये बैग था 550 का, बड़ा क्यूट लग रहा था मुझे ये। देन इनके पास सारी इसी तरीके की आइटम्स थी। देन यहाँ पर ये लैम्प था, बट उन्होंने चला के नहीं दिखा पाए क्योंकि उसके अंदर बल्ब नहीं था, और ये था 650 का। देन यहाँ पर ये बैम्बू में ये कप्स थे जो कि 350 ईच थे, बॉटल्स भी थी इनके पास, तो काफ़ी कुछ सामान था। तो यहाँ पे थे स्पाइसेस,
बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के स्पाइसेस थे सारे के सारे। काफ़ी कुछ था इनके पास। देन यहाँ पे ये कुशन के की चेन्स जो हैं ये 50 रुपीज़ के हैं। यहाँ पर 2023 का कैलेंडर था और ये था 600 का। ग्रीन टी, ब्लैक टी, नॉर्मल टी थी इनके पास। देन यहाँ पर जितनी भी नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स हैं उनकी डॉल्स थी और इनका प्राइस था 800-900 इसके अराउंड। देन इनके पास यहाँ पर ये मग्स भी थे, इनका प्राइस था 499। और सबके पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, जैसे ये टॉय ट्रेन है तो दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन के बारे में लिखा हुआ था। डीप लकर के बारे में लिखा हुआ था। इस तरीके की डेकोरेशंस थी क्रिसमस की वहाँ पर, इसका प्राइस 600 था। ये फ्रिज मैग्नेट्स थी इनके पास 300 की प्राइस रेंज में, और सब कुछ टी से रिलेटेड ही था यहाँ पर। तो अब चलते हैं खाने की तरफ, और यहाँ पे ये कुछ अलग सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मुझे समझ नहीं आया। बाकी ये है इसका मेन्यू जिसके प्राइजेस के आगे मेंशन है। तो यहाँ पर है ये मिक्स वेज, इसके आगे है मटर पनीर, देन ये है डक करी, इसके आगे है यहाँ पर चिकन करी, ये है पोक करी, दाल और चावल। देन नेक्स्ट आउटलेट है यहाँ पर ये डज्यूको का, और इसका मेन्यू भी इसके नीचे मेंशन है। क्या क्या चीज़ें आप खा पी सकते हैं, और यहाँ वही चीज़ें रखी हुई हैं। देन यहाँ पर है आयशा कुक्स बिरयानी एंड मोर, और यहाँ पर उसका मेन्यू है कि आप यहाँ पर क्या क्या खा सकते हैं। जैसे दिल्ली वालों की बिरयानी यहाँ पर 350 रुपये की मिल जाएगी आपको। देन द ललित भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और जिसका मेन्यू यहाँ पर है आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर ये नेपाली फूड मिल जाएगा, तो जो ये रिंग्स बनी हुई हैं ये चावल के आटे से बनी हुई हैं। इसके आगे जो है ये चिकन है, देन इसके आगे ये कोई करी है, देन यहाँ पर थे चिकन और पोर्क मोमोज, और प्राइसेस आप देख सकते हो। तो ये है पोर्क मोमोज, और इसके आगे हैं यहाँ पर ये चिकन मोमोज। तो यहाँ पर है यंकीज, जिसका मेन्यू यहाँ पर मेंशन है कि आप क्या क्या खा सकते हैं, और उनके प्राइजेस भी मेंशन है। देन यहाँ पर है पोर्कोहोलिक, जिसके मेन्यू ये रहा कि आपको क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पर, चिकन, पोर्क, मटन सब मिल जाएगा। देन यहाँ पर है बॉनबुज, तो आपको 80% वहाँ पर नॉन वेज मिलेगा, 10-20% आपको वेज भी मिल जाएगा, बाकी मोस्ट ऑफ द आपको वहाँ पे नॉन वेज ही मिलने वाला है। देन ये इसका मेन्यू है। पर था मेघालय कुजीन, इसके आगे था ये टी टॉक, जिसका मेन्यू यहाँ पे हैगा मेंशन कि आपको क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कौन कौन सी चाय है। देन ट्विस्टर पोटैटो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। फाइनली मुझे एक राजस्थानी फूड स्टॉल मिल गया, जहाँ पर आपको राजस्थानी थाली मिल जाएगी, जिसमें आपको गट्टे की सब्जी मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी, लहसुन की चटनी, बाटी मिल जाएगी, हलवा मिल जाएगा,
बाजरे की रोटी मिल जाएगी और इसका पूरा प्राइस है 350 रुपये। आपको प्यासी कचौरी मिल जाएगी 60 रुपये की, मिर्च के पकौड़े मिल जाएंगे 60 रुपये के। देन यहाँ पर असम फूड स्टॉल था जिसका मेन्यू ये रहा। ज्ञानीज आपको वहाँ मिल जाएगा। अनमोई करके ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं तो ये भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं गेम्स की तरफ। तो यहाँ पर था ये हैंग गेम, अगर आप 2 मिनट तक इस पर लटकते हैं तो आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। देन यहाँ पर था ये रिंग गेम, 100 रुपये में आपको 6 रिंग्स मिलती हैं और आपको सामने जो चीज़ें रखी हुई हैं उस पर एम करना उनको। देन यहाँ था ब्रेक द पिरामिड, तो ये सामने जो ग्लास का पिरामिड बना हुआ है ये आपको ब्रेक करना है, ये भी आपको 2 चांस मिलेंगे 100 रुपीज़ में, बॉल नीचे रखी हुई है। देन यहाँ पर थी आर्चरी और शूटिंग गेम, तो आर्चरी में सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको एम करना है और शूटिंग में आपको ये बलून्स बर्स करने हैं, ये भी 100 रुपीज़ का ही था। देन आपको ये गिफ्ट्स मिल जाएंगे जितने भी टेडी बियर नीचे रखे हुए हैं अगर आप जीत जाते हैं तो। देन ये प्राइज लिस्ट है और ये प्राइज लिस्ट आप देख लो, मैं इसका गेम आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि आपको ये गिफ्ट्स मिल सकते हैं। जो प्राइज लिस्ट थी उसका गेम ये है, ट्राई योर लक इन 10 सेकेंड। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल हैं, अगर आप कोई भी बॉल निकालते हो कोई भी कलर की बॉल तो जो भी गिफ्ट उसके सामने लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। Gentlemen, we are here to showcase our rich culture and heritage, our Northeast. We are here to showcase our rich food, our beautiful attire, our fabrics, our beautiful jewelries. And what? Our music, right? So I think this is the best platform. So ladies and gentlemen, I request you all to give it up for Northeast Festival 2022. And this is the 10th edition. Yeah, it's just like yesterday. One, come on, make some noise. All right, let's pump you up all. You cannot be so quiet and so cold here. So make some noise. All right, this lot, make some noise. You can do better, come on! Okay. I know, you can also do it. Go for it, come on the count of three. 1, 2, 3! Perfect! Now boys and girls, please enjoy the next performance. Deewar saare dhak du main tasveeron se teri pukar tu naraaz ho jo aao main nahi. अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ दिल सोचे यही, उड़ू कितनी भी ऊपर तू ही तो है मेरी जमीन। तेरे मेरे रास्ते जो तेरे मेरे खास थे, तेरे मेरे रास्ते। Don't mean nothing, 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 nothing at all. We are so honored to be here tonight, and especially me. I come from a different country. I come from the land of rising sun, and I know deep in my heart you are and we are all family. Yes, nation of the sun tribe, we speak the truth and love. Yeah, all right, so here we are, invocation. We step into the land to protect and be the guardian of the forest. You ready for that? Yeah. Protect the culture always. Be proud of who you are. Yes. And be the bridge to carry on and then leave your, keep your legacy for the next generation. Yeah? Please, you guys are so beautiful. I'm like about to cry. Thank you so much for being here and your patience. Here we go, serpents of Pakistan.